हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉम्बो रेसिपी लाई हूँ। आपने हांडवा ढोकला प्रीमिक्स तो सुना होगा, लेकिन आज मैं एकदम इंटरेस्टिंग चटनी प्रीमिक्स लाई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे हांडवा ढोकला प्रीमिक्स और उसके बाद चटनी का प्रीमिक्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा म्यूजिक सुन ले, लेट्स गो। हांडवा ढोकला प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले 3 कटोरी चावल लिए हैं। ये खिचड़ी के नॉर्मल चावल है, यहाँ पर बासमती चावल नहीं लेने हैं। उसी कटोरी से 1 कटोरी चना दाल और चना दाल से हाफ यानी कि हाफ कटोरी उड़द दाल, आधी कटोरी बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। अगर आपको मूंग दाल नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और हाफ कटोरी बिना मोइन के तूर डाल ली है। और अब डालेंगे इस प्रीमिक्स की जान, और वो है 1 टेबलस्पून साबुत मेथी दाना। फ्रेंड्स, इससे एकदम मस्त टेस्ट आएगा। अब बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि इससे हमारा बैटर कड़वा हो जाएगा। हाँ, लेकिन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब इसको स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है, इसीलिए इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाना चाहिए। मैंने इसको स्टार करते हुए 5 मिनट सेक लिया था। देखिए, ये एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, इसको कोर्स ग्राइंड करना है और ठंडा होने के बाद ही इसको ग्राइंड करना है। परफेक्ट। देखिए, इतना कोर्स हमें रखना है, एकदम पाउडर नहीं करना है। इस प्रीमिक्स में से आप हांडवा, ढोकला और अपम भी बना सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है उसका वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरी चैनल में बने रहिएगा। अब एक एयरटाइट जार लेंगे, उसमें सारा प्रीमिक्स स्टोर कर लेंगे। इसको फ्रीज़र में 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और नॉर्मल फ्रीज में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इसका यूज कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा हांडवा ढोकला प्रीमिक्स। चटनी प्रीमिक्स बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून शाही जीरा, आप नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 लौंग और 2 दालचीनी। इसमें साबुत धनिया, सौंफ और दालचीनी का फ्लेवर सबसे ज़्यादा रहता है, 1.5 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट और छोटा टुकड़ा इमली का। अब सारी चीज़ों को लाइट ब्राउन होने तक स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी हांडवा के लिए परफेक्ट है। देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और इसकी खुशबू मेरे सारे किचन में फैल गई है। ये इंडिकेशन है कि आपके मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर सेम हांडवा प्रीमिक्स की तरह ठंडा होने के बाद ही क्रश करना है। हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। सुपर। देखिए, इसको भी थोड़ा कोसी रखना है, एकदम पाउडर फॉर्म नहीं करना है। फ्रेंड्स,
फ्रेश मसाले की खुशबू ही अलग होती है। अब इसको एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। इस प्रीमिक्स का यूज़ कैसे करना है उसका वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको एयरटाइट जार में भर के आप फ्रीज में 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा चटनी प्रीमिक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भूले बिना लाइक और शेयर करना, और चैनल में नए हो तो पता ही है सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी।